अच्छा ऐसा क्या हुआ है कि मुंबई इंडियंस जो है वो रोहित शर्मा को डेविड वार्नर से ट्रेड करना चाह रहे हैं, कि कोई इंटरनल इशू है क्या है? क्योंकि अवाम तो जो है वो रोहित शर्मा के गुंगा रही है। ट्रेड नहीं हो सकती, कौन दे रहा आपको खबरें जो मेरे पास भी नहीं है। डेविड वार्नर से ट्रेड करना चाह रहे हैं, क्या किया था इसने? अंदर की खबरें, अंदर की खबरें भाई, इंटरनल कहाँ की है ये? किस कौन से अंदर की है? रजाई वजाई से तो नहीं निकाल के लाएंगे? इंटरनल अफेयर्स, क्रिकेट के इंटरनल अफेयर्स। ये अफेयर्स इंटरनल ही होते हैं, वो 50 लोगों के सामने नहीं होते। कौन सा गुल्लक है जिसमें खबरें पड़ी हुई होती है? कैसी खबर है? डेविड वार्नर एक्सपायरिंग वाला क्रिकेट छोड़ चुका है वो, उससे तो दिल्ली भी जान छुड़ाने की सोच। उसको तो ऑस्ट्रेलिया में भी जब से रिटायर हुआ है उन्होंने बोला तू ना ग्रेट है ना तू लेजेंड है हमारे लिए, तू एक आम खिलाड़ी है, बड़ा प्लेयर। लेकिन रोहित शर्मा का मसला तो कुछ और चल रहा है। मुंबई कह रही है कि मुंबई कर क्या रही है? मुंबई बेसिकली पैसे की चकाचौंध, वो ये समझ रही है कि किसी को भी डिसरिस्पेक्ट कर दिया जाता है उसका खमियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ रहा है। हार्दिक पांड्या और बाउचर का क्या हाल हो रहा है? ग्राउंड में लिटरली गालियां पड़ रही हैं, इवन मुंबई में उनके अपने होम मैच में उनको गालियां पड़ी हैं। क्यों पड़ी? क्यों पड़ी पता है आपको? ये नहीं है आपके अंदर की खबर, इसलिए पड़ी कि हार्दिक पांड्या गुजरात ने इज्जत दे के कप्तान उठाया। पहले कप्तानी की लालच में गुजरात गए, फिर गुजरात वालों को छोड़ के यहाँ आ गए कप्तानी की लालच में। मतलब ये ऐसा लालची आदमी है, ये वही वाले बच्चे हैं जो बचपन में अपनी कुल्फी के साथ दूसरे की भी खा लेते थे, ये वही वाले बच्चे हैं। ये तो एक तो वो रोहित शर्मा का मैं आपको बता दूं, रोहित शर्मा इस वक्त इंडिया में इससे बेस्ट प्लेयर कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है, एज कैप्टन अगर आप देखेंगे तो उसके अलावा और कोई कप्तान बनने का अहल भी नहीं है। इंडिया इससे पहले बीसीसीआई से पहले पिछले 1.5 साल में 4 से 5 कैप्टन बना चुका है, यानी कि जो टीम उनकी खेल रही होती थी उसमें 4-5 कैप्टन ऑलरेडी खेल रहे होते, मगर आखिरकार उन्होंने रोहित शर्मा पे एतमाद किया लास्ट ईयर, उसके बाद उनको तीनों फॉर्मेट में डाल दिया कि जी अब तीनों फॉर्मेट के अंदर कप्तान होंगे। वर्ल्ड कप में 10 out of 10 मैचेस फाइनल हार गए, कोई इशू नहीं, 10 मैचेस जीती भी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आया, ऑस्ट्रेलिया को मारा, इंग्लैंड आया, इंग्लैंड को सीरीज मारी। इसका फायदा क्या उठाया मुंबई इंडियंस ने कि उन्होंने हार्दिक पांड्या जो 2021 में मुंबई इंडियंस इसलिए छोड़ के गए कि यार मुझे कप्तान बनाया जाए, अच्छा ये छोड़ के उधर लखनऊ निकल गए, गुजरात चले गए। अब जब कप्तानी इनको नहीं मिली गुजरात चले गए, 2024 में इनको बाकायदा पहली हारी गुजरात में मिली, साजिश करके इसको लाया गया रोहित शर्मा के ऊपर, जो मेरे ख्याल में जो फैन होता है ना वो फैन से एक्सेप्ट नहीं होता। मैं आपको एक बात बताऊं, मैनेजमेंट भले पैसे के बलबूते पे भले अपने जोर पे कुछ भी कर सकती है, फ्रेंचाइज उनकी, उनका पैसा, उनके घर की क्रिकेट, उनके बच्चे खेलने को वो जवाब दे रही वो मैंने मिसाल दी आपके जिस्म की बात अपने जिस्म का मालिक। तो अब मसला ये है कि जो फैंस होते हैं ना, अब पिछले 16 सालों में फैन क्लब भी तो बन गया, और मुंबई का मैं आपको बता दूं जैसे हम कहते हैं ना कराची का कि 70% कराची जो है वो चलाता है पाकिस्तान की और दीगर चीजों को, बिल्कुल ठीक है इसी तरह मुंबई का भी है। इंडिया में जितनी भी क्रिकेट खेली जाती है उसमें सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग जो है वो मुंबई के। मैं अंबानी देखें किस किस को नचा गया, अंबानी की फ्रेंचाइजी 25 से 30% लड़के तो उनकी टीम इंडिया के अंदर खेले। आपको कार्ड इनविटेशन आया था बुलाने के? कार्ड तो ऐसा नहीं वहाँ के फैंस को बेवकूफ बनाया जाए, सारे लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं, बड़ा शहर है सबसे वहाँ पे। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो उल्टा इनकी मैनेजमेंट के मुंह को आ गया, क्योंकि अब इनके होम टाउन के अंदर कल वानखेड़े में मैच था 2 दिन पहले, और वहां पर जब लोगों ने अपने राय का इजहार किया वो हार्दिक कहता ही नहीं इसको, मैं कहता हूँ हार्पिक डांडिया, ये इंडिया में उसका नाम हो गया है, हार्पिक डांडिया फैंस ने रखा है। अच्छा, हार्दिक पांड्या हटा दिया लोगों, किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? वो रोहित शर्मा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपका सवाल यही था। बात ये कि रोहित शर्मा 5 टाइटल जिता चुका है एक फ्रेंचाइज को, उसका जिम्मेदार पांड्या तो है ही, बाउचर भी है और उसकी उनकी अपनी मेहनत। बाउचर ने एक बयान ऐसा दिया था इस IPL से पहले कि वो एक तरह से रोहित शर्मा को एस क्रिकेटर एस कैप्टन जज कर रहा था। बाउचर जैसे कैलिबर का प्लेयर रोहित शर्मा पर स्टेटमेंट देता है कोच बनकर, तो भाई बाउचर रोहित शर्मा में से 25-30 बार बाउचर निकलते हैं, इतना बड़ा नाम है वो। सिर्फ नाम नहीं है उसके काम है भाई। दूसरा ये भी कि यार बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है ना वो बड़ी मानी जाती है वहाँ पर इंडिया, तो वहाँ पर भी लोगों ने आर्टिस्ट बड़े बड़े आर्टिस्ट ने जो है ना मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा से अलग करने के ऊपर बहुत सारी बातें की।